आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध देखा। आज इस वीडियो में हम संचयी बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। हम जानते हैं कि शब्दों की भाषा से ज्यादा हम चित्र की भाषा को जल्दी सीखते हैं, जैसे कि टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान बहुत बार हम इस प्रकार के ग्राफ यानी आलेख देखते हैं और ग्राफ को देखते ही हम समझ जाते हैं कि किस ओवर में और कितने रन पर खिलाड़ी आउट हुआ। और इसी अवधारणा पर हमने पिछली कक्षा में बारंबारता बंटन सारणी से आलेख बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमने वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक में देखा था कि खेल प्रतियोगिता में शामिल 120 खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को निम्न प्रकार दर्शाया गया था। तो क्या आप इन आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कर सकते हैं? शाबाश। आलेखीय निरूपण के लिए सबसे पहले दिए गए वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, जिसे बारंबारता सारणी में निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अब एक्स अक्ष पर मध्य बिंदु और वाई अक्ष पर बारंबारताएं आलेखित करते हैं। उपरोक्त बारंबारता बंटन से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के को आलेख पर आलेखित करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शून्य बारंबारता के साथ वर्ग ऋणात्मक 10 से शून्य, जो कि बिंदु शून्य व 10 के ठीक पहले वाले वर्ग में आता है, के मध्य चिन्ह के बिंदु ए यानी ऋणात्मक 5 शून्य को तथा बिंदु के यानी 95 3 के ठीक बाद में आने वाले बिंदु एल यानी 105 शून्य को भी आलेखित करते हैं। यहाँ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्राप्त हो सके, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसलिए इन सभी बिंदुओं को रेखाखंड से मिलाते हैं और दिए गए बारंबारता बंटन का आलेख ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल प्राप्त करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का तोरण यानी कि लेस देन ओजीव खींचिए, तो क्या आप तोरण खींच सकते हैं? चलिए देखते हैं। दिए गए आंकड़ों की सहायता से कम प्रकार के तोरण के लिए हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का निर्माण करते हैं, जहां 10 से लेकर 100 तक सभी संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं यानी अपर लिमिट्स हैं। प्राप्त हुए आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष पर ऊपरी सीमाएं तथा वाई अक्ष पर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं। यहां हम एक्स अक्ष पर पैमाना एक वर्ग इकाई बराबर 10 स्थान तथा वाई अक्ष पर एक वर्ग इकाई बराबर 20 स्थान लेते हैं। याद रखिए, यहां आप पैमाना अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। आइए अब इन सभी ऊपरी सीमा व संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे को आलेख पर आलेखित करें और इन सभी बिंदुओं को सावधानी पूर्वक मिलाएं। प्राप्त हुई इस वक्र से कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण यानी ओजीव कहते हैं। इस वीडियो में आज हमने संचयी बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण के लिए से कम प्रकार के आलेख को बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम संचयी बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण के लिए से अधिक प्रकार के आलेख को बनाना सीखेंगे।